सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे बैठक में। मीडिया से बातचीत में साधा राहुल गांधी पर निशाना। चीन ने कितने भूभाग पर कब्जा किया जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे, तो पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते। आज भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और अगर किसी ने आंख उठा के हमारे देश की तरफ देखने की हिम्मत की, चीन ने भी की थी, तो चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंका था हमारी सेना ने। हमारी सेना का अपमान न करें। सिमरिया चौक में भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं नागरिकों के साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला दहन किया गया। सांसद गणेश सिंह ने बताया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री जी पर की गई टिप्पणी शर्मनाक है। हमारी मांग है कि पाकिस्तान की सरकार अपने विदेश मंत्री को बर्खास्त करे। बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री मोदी जी सहित सभी भारतवासियों से माफी मांगनी चाहिए। मैं उनकी निंदा करता हूं और जिस तरह से उन्होंने कल पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने देश के हमारे प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं उनके बारे में जिस तरह से घिनौनी और प्रतिकूल टिप्पणियाँ की, उससे पूरे देशवासियों में अत्यंत रोष है, आक्रोश है। और पाकिस्तान की इस घिनौनी हरकत पर आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तथा नागरिकों ने इसका एक विरोध प्रदर्शन किया। और पाकिस्तान बिना शर्त दुनिया के सामने माफी मांगे। सतना इकाई द्वारा संयुक्त रूप से संगठन का समाज के प्रति उत्तरदायित्व के अंतर्गत जगतदेव तालाब परिसर में विराजित शिव जी एवं हनुमान जी महाराज को नमन कर उनके समक्ष संयुक्त रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके पश्चात परिसर में ही उपस्थित गरीब असहाय एवं वृद्ध जनों को फल वितरण किया गया, साथ ही उनके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना की गयी। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी रहे उपस्थित। अमरपाटन के छात्रों का पतली कमरिया में झूमते का वीडियो हुआ वायरल। सागर के बाद अब अमरपाटन के छात्र भी फूहड़ गाने में ठुमके लगाते नजर आए। सतना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत राजेंद्र नगर में हुआ विवाद। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले दो गुटों में हुआ विवाद, महिलाओं के बीच जमकर चले लाठी डंडे, चार लोग हुए घायल। बीच सड़क में आधे घंटे तक मची रही अफरा तफरी, स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामला सुलझाया। मैहर आरपीएफ ने बचाई यात्री की जान। चार दिन पहले सतना स्टेशन में इसी तरह की घटना में यात्री के हाथ पैर कट गए थे। समिति खेल रही पास फेल का खेल, किसान त्रस्त गुर्गे मस्त। सतना के दुर्गेश सिंह नाम के सर्वेयर ने लिए धान पास कराने के नाम से किसान से 1,000 रुपए और 27 बोरी तुलने के बाद फिर मांगे पैसे। किसान द्वारा पैसे ना देने पर धान की गई फेल। माना 1,000 आपने किस बेस कर लिया? सामने किसान है और ये, अरे मेरा लिए है आप रोजी में खड़े हैं, ये रोजी में खड़े हैं, 1,000 में दिया हूँ, 500 की दो नोट दिया हूँ और बताइए वहाँ पास नहीं दिए। 500 मांग रहे थे, 1,000 नहीं दिया। मैं झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं दिए आप, झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ? 1,000 दिए आप? 27 बोरी टोल गया मेरा, उसके बाद आप बोले कि मैं टोल लगा दूँ? आपकी धान तो कहाँ से टोल हो जाएगी? 27 बोरी ऐसे टोल गई है? हाँ तो वो तो आपकी गलती है ना, मैंने इसमें चढ़ाया ही नहीं, तो आपने जबरदस्ती टोल पा ली तो मैं क्या करूँ? उसके बाद फेल कर दी। गलती क्या है उसमें? खराबी है तो मैं फेल कर रहा हूँ ना। खरीदी केंद्र में मिली बड़ी गड़बड़। अंबेडकर स्व सहायता समूह द्वारा धान खरीदी केंद्र में किसान ने जारी यहां धान तुलाई के नाम पर लिए जा रहे हैं 10 रुपए कुंटल वसूली, और जो कि नहीं लगनी चाहिए। 2,000 रुपए धान पास करवाई ली जा रही थी। इसके अलावा 40 किलो की तौल में 41 किलो 200 ग्राम तौल की जा रही है। पीड़ित किसानों की शिकायत पर जिले से गए दल ने पाई अनियमितता।